अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, आज मैं चावल बना रही हूँ, आलू और चिकन वाले चावल बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ मैं। तो सोचा वही रेसिपी, वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑयल गर्म किया। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चें डालने के बाद तमाम गरम मसाले जो भी हैं सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए ऑयल के अंदर, और कलौंजी भी डाली है मैंने इसके अंदर। और फिर जो है, फिर मैंने इसके अंदर जैसे ही सारे मसालों का एसेंस जो है वो ऑयल में आ गया, तो फिर मैंने इसके अंदर ये प्याज डाली। प्याज आज मैं हरी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है खुश्क वाली प्याज थी नहीं, तो इसीलिए जो हरी प्याज रखी हुई थी मेरी नंद ने गाँव से भेजी है, वो रखी हुई थी फ्रिज में, तो उसी से ही जो है मैंने जो है चावल में वही डाल दिए। यानी अब ये ताज स्पाइसेस है, ताज स्पाइसेस का 10 रुपये वाला साशे मिला है मुझे, तो उसी से जो है वो चावल बिरयानी वगैरह जो भी है वो बना रही हूँ। ये अदरक लहसुन मैंने पहले से पीस के रखे हुए हैं, और मेरा बेटा बार बार मुझे कह रहा है कि मम्मा मैं जो है ये इसके अंदर जो है मसाले मैं डालूँगा, सारा खाना मैं बनाऊँगा, तो इसीलिए मैंने इससे कहा कि ठीक है बेटा आप भी मदद करवा दो मेरी। तो फिर ये अब चम्मच चला रहा है, पहले इसने जो है लहसुन डाला, ये देखें, बस इसे बहुत शौक है कुकिंग करवाने का और मुझे हेल्प करवाने का। मुझे कहता है मम्मा, मेरा बेटा मुझे कहेगा कि मम्मा मैं कोई हेल्प करूं आपकी। मैं कहती हूँ बेटा आपकी सबसे बड़ी ये हेल्प है कि आप मेरी कोई हेल्प ना करें। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डालने के बाद लहसुन थोड़ा जैसे ब्राउन हुआ, प्याज तो वैसे भी हल्के से ब्राउन हो गए, लहसुन जैसे थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डाली है मैंने, फिर बच्चे नहीं खाते जब ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं। मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके अंदर ये चिकन की गर्दन का पार्ट मैंने डाल दिया है। अब जैसे ये फ्राई होता है तो बाकी आगे की कार्रवाई करते हैं, और मैं वही बोलूँगी आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा, और मेरी मदद हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी, और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। सो गाइस, चिकन जैसे ही फ्राई हुई तो फिर मैंने इसके अंदर जो है चिकन का पानी जैसे ही खुश्क हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ये आलू और टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने काट के एक साथ रखा हुआ है तो वो मैंने डाल दिया। ये अब मैं इसको थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूँगी मैं। ये देखें, ये जो हमाम दस्ता जिसमें मैंने अदरक लहसुन पीसे ना, तो उसी में ही मैंने पानी डाल दिया, और वही हमाम दस्ता तकरीबन आधा गिलास के करीब मैंने पानी डाला, और फिर मैंने इसको जो है ढक के रख दिया थोड़ी देर, ताकि चिकन की गर्दन का पार्ट भी थोड़ा नरम हो जाए, और फिर जो ये आलू है ये भी थोड़े अच्छे से गल जाएँ। लेकिन वैसे गलाने की ज़रूरत है नहीं आलुओं को, क्योंकि नए आलू हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, दम पर ही गल जाते हैं, लेकिन चिकन की गर्दन का पार्ट थोड़ा सख्त रह जाता है ना, तो इसीलिए जो है मुझे पानी डालना पड़ता है। अब मैंने इसके अंदर ये पानी डाल दिया चावल गलाने का, और चावल जो है मेरे पास 3 पाव हैं, और चिकन की गर्दन में का पार्ट जो मैंने 70 रुपये का मंगवा लिया था, और ये 10 रुपये का बिरयानी मसाला है, ताज बिरयानी मसाला, और आलू मेरे पास चार आलू थे मेरे पास। अब ये मैंने चावल गलाने का पानी जब डाला तो मैंने इसके ऊपर ही मैंने ये मसाला डाल दिया, ताज स्पाइसेस वालों का बिरयानी मसाला, 10 रुपये वाला साशे है गाइस। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चावल पहले से भिगो के रखे, ये टोटा चावल है गाइस, तो ये जो मैंने भिगो के रखे हुए थे मैंने वो डाल दिए। अब मैं जो है इसको थोड़ी देर दम पे रखे जैसे ढक के रख दूँगी इसको, ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। और गाइस, ये डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, ये रात का वक्त है, हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं ये, और अक्सर वेशतर जो है मैं आप लोगों के साथ अपने जैसे कोई और जैसे मोबाइल तो मेरा अपने पास है नहीं, मेरे पास अपना है नहीं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड का जब मोबाइल होता है तो उस वक्त जो कुकिंग वगैरह करती हूँ तो उसी की वीडियोज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये आप लोगों की जैसे मेहरबानी है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ पर आते हैं और मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन वाले कमेंट देते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, एप्रिसिएशन वाले कमेंट देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये देखें,
मैं इसको अच्छे तरीके से ड्राई करके जैसे इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी और तवा रख के दम पे लगाऊँगी। मैं हमेशा ऐसे ही तवा रख के, पहले चूल्हे पर तवा रखती हूँ, उसके बाद जो है ये देगची रख के दम पे लगाती हूँ। सो अब ये देखिए इसका पानी जैसे ही खुश्क होता है, ये देखिए हो गया इसका पानी खुश्क, अब मैं इसको दम पे लगाऊँगी। ये देखें मेरी सादी सूदी हांडी है, वो देख के मज़ाक मत उड़ाया करें गाइस। सो गाइस अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरखान को हरा भरा रखा। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।